एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडी एक्ने के बारे में। फेस पे तो एक्ने होते ही हैं, लेकिन बहुत किसी को फेस के अलावा बैक पे, शोल्डर्स पे और चेस्ट पे भी एक्ने होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बॉडी एक्ने होते क्यों हैं और इसे आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। फिर लास्टली मैं शेयर करूंगी कुछ होम रेमेडीज जो कि बहुत ईजी है और बहुत इफेक्टिव भी। बॉडी पे एक्ने निकलने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो अगर आपकी भी स्किन पे बहुत ज्यादा एक्ने पिंपल्स निकलते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए अपने डाइट पे, क्योंकि हमारे हेल्दी ग्लोइंग स्किन के लिए हमारा जो डाइट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपके स्किन पे बहुत ज्यादा एक्ने पिंपल्स निकल रहे हैं तो हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज खा रहे हो जिसका कि बैड इम्पैक्ट आपके लीवर पे पड़ रहा है और आपकी डाइजेशन अच्छे से वर्क नहीं कर रही है और आपके बॉडी पे टॉक्सिन्स स्टोर हो रहा है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है आपके बॉडी पे एक्ने निकलने का। दूसरा रीजन है कि हार्मोनल चेंजेस। जब भी हमारे बॉडी पे हार्मोनल चेंजेस होता है, स्पेशली टीनेज ईयर में, इस टाइम हमारे बॉडी के हार्मोन्स बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट करता है, तो उस टाइम भी हमारे स्किन पे बहुत ज्यादा एक्ने पिंपल्स होते हैं। तीसरा रीजन बहुत कॉमन है, जैसा कि अभी मौसम चल रहा है समर्स का, इस टाइम पे हर किसी को एक्ने पिंपल्स का इश्यू होता है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी होती है, उमस होती है कि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा स्वेट करती है, ऑयल निकलती है, तो ये भी एक रीजन है हमारे स्किन पे एक्ने निकलने का। तो ये कुछ जनरल से रीजन है जिसकी वजह से भी हमारे स्किन पे एक्ने होते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ इसी तरह की जनरल से टिप्स जिसको फॉलो करके आप अपने बॉडी एक्ने को कंट्रोल कर सकते हो। टिप नंबर वन है कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, जिसके लिए आप 8 से 10 ग्लास पानी पिएं और वाटरी फ्रूट्स खाएं। टिप नंबर टू है कि अगर आप चाय के बहुत शौकीन हैं तो अपने चाय को सब्स्टिट्यूट कर दें ग्रीन टी से, जो कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा और एक्ने पिंपल्स को भी कंट्रोल करेगा। टिप नंबर थ्री है कि ऑयली, स्पाइसी और फास्ट फूड और वैसी फूड जिसमें कि शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, उस तरह की चीज खाने से बिल्कुल परहेज करें, क्योंकि ऐसी चीज एक तो हमारे एक्ने पिंपल्स को बढ़ाता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन को बढ़ाता है, ऑयल के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। जब हम ऐसी ऑयली चीज खाते हैं तो हमारे स्किन से भी बहुत ज्यादा ऑयल निकलता है, तो एटलीस्ट गर्मी के मौसम में ऐसी चीज खाने से बिल्कुल परहेज करें। टिप नंबर थ्री है कि जैसा कि गर्मी के सीजन में हमारी बॉडी बहुत ज्यादा स्वेट करती है, ऑयल निकलती है, तो अपने फेस के साथ साथ अपने पूरे बॉडी को प्रॉपर क्लीनिंग और एक्सफोलिएशन करें, क्योंकि हमारे बॉडी से डर्ट, एक्सेस ऑयल और डेड स्किन सेल्स को क्लीन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही चीज हमारे पोर्स को ब्लॉक कर देती है और फिर एक्ने पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आप अपनी बॉडी को प्रॉपर मॉइस्चराइज रखें, हाइड्रेटेड रखें और गर्मी के सीजन में कोशिश करें कि लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज करें, जो कि आपके स्किन पे इजीली पेनिट्रेट भी हो जाए और आपकी स्किन ब्रीथ कर पाए। टिप नंबर फाइव है कि अपने एक्ने पिंपल्स को कभी भी फोड़े ना, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्ने को जल्दी से खत्म करने के लिए उसको फोड़ देते हैं, क्योंकि इसके इन्फेक्शन से दूसरी जगह पे भी 2-3 दाने आपको फ्री में मिल जाते हैं। तो ये थी मेरी कुछ जनरल सी टिप्स जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपने एक्ने पिंपल्स को कंट्रोल कर सकते हो। अब मैं शेयर करूंगी कुछ इफेक्टिव सी होम रेमेडीज जिसके लिए आपको लेना है 1 ग्लास वार्म वाटर और उसमें ऐड कर देना है 1 टीस्पून नीम पाउडर और इसको मिक्स करके आपको मॉर्निंग में खाली पेट पीना है। और अगर आपको नीम कड़वा लगता है तो इसकी जगह पे आप हिमालय का नीम टैबलेट भी यूज कर सकते हैं। और जो सेकेंड रेमेडी है उसमें हम बनाएंगे एक एंटी एक्ने टोनर। तो इस टोनर को बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ फ्रेश नीम लीफ, और अगर आपके पास फ्रेश नीम लीफ नहीं है तो आप इसकी जगह पे नीम पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप नीम लीफ को सेपरेट कर लें और एक पैन में ऐड कर दें 2 ग्लास पानी और नीम लीफ, और इसे आपको कम से कम 20 से 25 मिनट तक अच्छे से बॉयल करना है। तो ये हो चुका है बॉयल और अब हम इसको ठंडा करने के बाद इसको स्ट्रेन कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 ड्रॉप टी ट्री एसेंशियल ऑयल और 4 to 5 टेबल स्पून के करीब रोज वाटर। फिर इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक स्प्रे बॉटल में। और ये बनके हो गया है रेडी हमारा एंटी एक्ने टोनर। इस टोनर में हमने ऐड किया है नीम और टी ट्री, जो कि एक वेल नोन इंग्रेडिएंट है हमारे एक्ने पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि इसमें होते हैं एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, जो कि हमारे स्किन को हर तरह की फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया से
प्रोटेक्ट करता है और एक्ने पिंपल्स को टी ट्री और नीम बहुत ही अच्छे से क्विकली ट्रीट करता है, प्रिवेंट करता है और ये आपके एक्ने के रेडनेस, स्वेलिंग और इचिंग को भी कम करता है। नेक्स्ट हम बनाएंगे एंटी एक्ने पैक, जिसके लिए आपको लेना है 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर। सेम क्वांटिटी में ऐड कर दें कस्तूरी हल्दी, सैंडलवुड पाउडर यानी कि चंदन पाउडर और 2 टेबलस्पून हनी। और अगर आपको हनी सूट नहीं करता है तो आप इसकी जगह पे एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। इस पे हमने ऐड किया है सिनेमन, जो कि हमारे एक्ने के बैक्टीरिया को किल करता है और ये हमारे एक्ने को सुखाने का काम करता है और जो एक्ने के स्कार्स रह जाते हैं उसको भी रिमूव करता है। हल्दी हमारे स्किन से स्कार्स और पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है और हमारे स्किन को क्लीन क्लियर करता है। हनी हमारे स्किन को हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रखने के साथ साथ इसमें एक्ने को हील करने की प्रॉपर्टीज़ होती है और ये एक्ने को क्विकली हील करता है और हमारे पोर्स को क्लीन क्लियर करता है। तो इस फेस पैक को आपको सिर्फ वीक में 2 से 3 बार अप्लाई करना है और टोनर आप दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करेंगे। तो ये रेमेडीज़ आप अपने बॉडी एक्ने को ट्रीट करने के साथ साथ अपने फेस एक्ने को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर किया है और कुछ होम रेमेडीज़, जिससे कि आप इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से अपने एक्ने को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी इससे हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।